Okay, question है, three electronic devices make a beep after every 48 second, 72 second and 108 second respectively. They beep together at 10 a.m. The time when they will next make a beep together at the earliest is. Okay, देखिए मान लेते हैं ये पहला electronic device है, ये दूसरा electronic device है और एक तीसरा electronic device है. जो पहला electronic device है वो every 48 second बाद बज रहा है, means 48 second होगा, तो next 96 थर्ड 144 सेकंड बाद इस टाइप से बचते रहेगा. दूसरा वाला है 72 मींस 72 144 216. तीसरा वाला 108 216 324. ठीक है, इस टाइप से बचते रहेंगे. ठीक है, तो आपने यहां क्या देखा, आपने ये देखा जो पहला वाला है इसका क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 48, दूसरा वाला मल्टीपल ऑफ 72 और तीसरा वाला मल्टीपल ऑफ 108. ठीक है, और तीनों एक साथ कब बजेंगे, जब तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा. क्या होगा, कॉमन मल्टीपल. ठीक है, और अब क्या कह रहे हैं, द टाइम व्हेन दे विल नेक्स्ट मेक अ बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट इज. ठीक है, तीनों एक साथ 10 बजे बजे हैं. ठीक है, तीनों एक साथ 10 बजे बजे हैं 10 एएम पर. अब कहने की कि किस टाइम पर तीनों एक साथ बजेंगे. ठीक है, वो टाइम होना चाहिए अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी सके. तो जो मैं कॉमन मल्टीपल होना चाहिए वो मैं लीस्ट होना चाहिए, सबसे कम. ठीक है, तो भी सबसे जल्दी बचेगा. तो हमें क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है एलसीएम. ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 48 72 और 108 निकालो. मैं कैसे निकालता हूँ, इस टाइप से आपको बताया था मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन में. तो 48 72 और 108 मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करता, जो भी नंबर दिखता है जो इनको डिवाइड कर सकता है उस नंबर को ले लेता हूँ. ठीक है, तो मैं इसको चार से डिवाइड करता हूँ, पहले मैं चार दिख रहा है तो चार से डिवाइड करूंगा, 12 24 24 नहीं आएगा यार, चार में आई है 18 आएगा. ठीक है, 18 चौक 72 और ये 25 और 2 27. ठीक है, और अब भी इन तीनों कॉमन दिख रहा है मुझे, तीन दिख रहा है मुझे, तो 3 चौक 12 3 चौक 18 और 3 9 27. अब यहाँ पे आपको एक कमांड बताता हूँ. ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जो वैल्यू बच रही है, क्या बच रही है यहाँ पे, 6 4 और 6 6 और 9 और 4 और 9. ठीक है, मैंने किसी क्वेश्चन में बताया था आपको कि ये इनमें से अगर कोई भी को प्राइम हो जाए तो जो हमारे लेफ्ट साइड जो आ रहा है वो उसका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. ठीक है, तो 4 और 6 का क्या 4 और 6 को प्राइम है, नहीं है. क्या 6 और 9 का को प्राइम है, नहीं है. क्या 4 और 9 को प्राइम है, हाँ को प्राइम है. तो जो हमारा जो ये वाली वैल्यू आई है 4 और 3 मीन्स HCF हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, क्योंकि एक हमारा को प्राइम मिल चुका है. ठीक है, पर क्योंकि अगर तीनों जब होंगे को प्राइम तो हमें LCM मिलेगा. ठीक है, जब तीनों जो पेयर बन रहे हैं इन तीनों को प्राइम होना चाहिए. तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, 4 और 6 को प्राइम नहीं, तो इनका जो कॉमन डिविजर है वो क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड करो. ठीक है, तो 2 2 4 2 3 6 5 9. ठीक है, तो डिवाइड नहीं हो तो सेम एज इट इज लिखो. ठीक है, तो हमारा बच रहा है 6 और 9 वाला ही बचा है. ठीक है, मीन्स ये दोनों वाला बचा, इन दोनों कॉमन डिविजर क्या है, 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, 2 एज इट इज लिखो. एक यहाँ पे आ गया, 3 आ गया. अब देखिए तीन ये जो पेयर बनेंगे क्या बनेंगे, 2 और 1 का. ठीक है, 2 और 1 जो है ये को प्राइम है, और जो 1 और 3 है ये को प्राइम है, और जो 3 और 2 है ये भी को प्राइम है. तो हम अब हमारा एलसीएम निकल जाएगा. ठीक है, तो जो एलसीएम होगा हमारा वो क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 3 4 × 3 × 2 × 3. ठीक है, इंटू 2 यहाँ की वैल्यू लेंगे हम, ऐसे में सब यहाँ के वैल्यू लेते हैं. ठीक है, एलसीएम सब कुछ लेंगे. ठीक है, इंटू क्या था, 4 3 2 3 4 2 3 × 2 × 1 × 3 कितनी वैल्यू आ गई, 4 3 12 12 2 24 24 3 72 चौबीस के 72 दुनिया 144 432. ठीक है, मीन्स 10 बजे बज रहा है तो अब 432 सेकंड बाद बजेगा, 432 सेकंड बाद बजेगा. ठीक है, 432 सेकंड को हम मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको अगर इसको 60 से डिवाइड कर दे तो 6:42 मीन्स 7 मिनट 6:42 7 मिनट 12 सेकंड. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10:07 12 सेकंड हमारा आंसर. ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन ए. ठीक है, ऑप्शन 1. ठीक है,
तो इस क्वेश्चन से आप समझ गए कि हम एलसीएम कब निकालते हैं और एचसीएफ कब निकालते हैं और एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, कि मैं किस टाइप से निकालता हूँ। आप ये देख सकते हो बहुत तरीके हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने के, मैं इस यूआरएल में अप्लाई करता हूँ तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 10, टू बास्केट टुगेदर हैव 640 ऑरेंजेस, इफ 1/5 ऑफ द ऑरेंजेस इन द फर्स्ट बास्केट टू बी टेकन इन द सेकंड बास्केट, इफ तो आ गया देन नहीं आया, ठीक है, थिंक क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा। नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द फर्स्ट बास्केट, ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास दो बास्केट है, ठीक है, मान लेते पहले बास्केट में एक्स ऑरेंजेस है, दूसरे में वाई ऑरेंजेस है, ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 640। अब ये कह रहे कि पहले बास्केट से दूसरे बास्केट में हमने 1/5 ऑरेंजेस ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कितना बचेगा, अगर यहां से यहाँ पे 1/5 ऑरेंजेस ट्रांसफर कर दिए तो यहाँ बच जाएगा 4/5x, यहाँ बचेगा 5 + 1/5x, ठीक है, इफ तो आ गया दोस्तों। अब इसका कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे कोई इक्वेशन बननी चाहिए थी, ठीक है, इफ आ गया तो एक देन भी आना चाहिए था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ओके, तो इसमें बच्चों को मार्क्स मिले होंगे, तो मैं आंसर के हिसाब से आप सबको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला होगा, देन द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन बोथ बास्केट्स आर इक्वल, ये होगा, ठीक है, आंसर के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, तो 4/5x इक्वल टू वाई प्लस 1/5x, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इनकम्प्लीट, पर मैं आपको आंसर के हिसाब से बता रहा हूँ इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो आ गया हमारा y इक्वल टू 3/5x, y इक्वल टू 3/5x आ गया, तो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x प्लस 3/5x इक्वल टू 640, ठीक है, मीन्स 8/5x इक्वल टू 640, तो x इक्वल टू 864, 80 × 5 इक्वल टू 400, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 400। अगर हमारे क्वेश्चन में ये बोला होता कि दोनों के जो एक ऑरेंजेस बराबर हो जाते हैं देन के बाद, ठीक है, तो उन्होंने लिखा नहीं है, इसलिए यह क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है, पी कैन डू 1/4 वर्क इन 10 डेज, क्यू कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 40 डेज एंड आर कैन डू 1/3 वर्क ऑफ इन 13 डेज, हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पी लिख लेते हैं, यहाँ क्यू और यहाँ पर आर, ठीक है, तो जो पी है 1/4 काम कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, और क्यू कर रहा है 40% काम 40 दिनों में, ठीक है, और आर कर रहा है 1/3 काम 13 दिन में, तो जो पी 1/4 का 10 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 10 × 4 मीन्स 40 दिन में करेगा पी, क्यों देखते हैं 40% मीन्स 2/5 काम, क्यों जो है 2/5 काम 40 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 40 × 5/2 मीन्स क्यों करेगा 100 डेज में, ठीक है, और जो आर है 1/3 काम 13 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 13 × 3 = 39 डेज, ठीक है, तो देखिए इन तीनों में सबसे जल्दी काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है 39 डेज, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3 आर, ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, वर्किंग 7 आवर्स इन अ डे, 4 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ठीक है, वर्किंग 8 आवर्स इन अ डे, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेन टू परफॉर्म द सेम वर्क इन 4 डेज विल बी, ओके, तो एक टेबल बनाता हूं आपके लिए, ये एक नंबर ऑफ मैन हुआ, ठीक है, ये डेज हुआ और ये आवर्स हुआ, ठीक है, अगर नंबर ऑफ मैन 4 हुआ, डेज कितने लग रहे हैं, 8 डेज लग रहे हैं, और आवर्स कितने लग रहे हैं, 7 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, अगर नंबर ऑफ मैन कितने हैं, एक्स मान लेते हैं, डेज कितने हैं, 4 डेज है, ठीक है, और आर कितने हैं, 8 आवर्स है, ठीक है, तो ये जो हम करने वाले हैं तो वर्क दोनों में सेम ही होगा, ये पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, ठीक है, दोनों कंडीशन में वर्क क्या होगा, हमारा सेम होगा, तो हमें फॉर्मूला पता है, वर्क इजिकल टू क्या पता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो यहाँ पे टाइम कितना हमारा, 8 डेज 7 आवर्स, टोटल हमारा जो टाइम हुआ 8 × 7 हुआ, यहाँ पे टोटल टाइम क्या हुआ, 4 × 8 हुआ, ठीक है, और एफिशिएंसी कितना हो गया, यहाँ पे 4 men हो गया, यहाँ पे x men हो गया, ठीक है, तो दोनों कंडीशन के हिसाब से 4 men
एफिशिएंसी हो गया और टाइम हमारा 8 इंटू 7 हो गया, ठीक है। और हमारा पे एक्स मैन हुआ, एक्स मैन, ठीक है, और इंटू 4 इंटू 8। अभी सॉल्व कर लो इजीली, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैन से मैन कट जाएगा, इनके जो भी एफिशिएंसी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैन से मैन कट जाएगा यहाँ पे, और 8 से 8 कट जाएगा यहाँ पे, 4 से 4 भी कट जाएगा, तो हमें मिल गया x इक्वल टू 7 आंसर। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म हुआ। ओके।